देखो तो इधर, यहां पर दिया है HCF 306 और 657 का HCF कितना दिया है, यानी उसका HCF निकालना नहीं है, सिर्फ दे दिया गया है। और उसी अंक का LCM ज्ञात करने को कहता, तो 306 लिख के फैक्टर कर लो, 657 लिख के फैक्टर कर लो, जो मिलता है उससे लिखो, जो नहीं मिला उसको भी लिख कर गुणा करेगा तो LCM आ जाएगा ना। लेकिन यहाँ ये वैल्यू दे दिया है इसलिए उस सूत्र का प्रयोग यहाँ नहीं करना है, यहाँ लिखना है LCM यानी लघुतम समापवर्तक। LCM का मतलब है ना, अगुणे HCF यानी महत्तम समापवर्तक। लघुतम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में गुणा करने से इन दोनों अंकों के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे 306 × 657 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको एलसीएम तो निकालना है, इसका वैल्यू तो है नहीं, नहीं है ना। अगुणे HCF का वैल्यू है कितना, 9। 306 × 600 फिर एलसीएम को इधर रखते हैं जिसको निकालना है, 306 × 657 9 इसके बाटा आ जाएगा ना। अभी 9 से कटाएंगे, कौन कट जाता है अंक इसमें, 9 से इसको कटाएगा ना, 9 × 7 देखो कैसे कट रहा है, 9 × 7 = 63। तो 63 जो है 65 में घटेगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और 2 के ऊपर 7 आएगा तो क्या हो जाएगा, तो 9 × 3 ऐसे ही भाग्य से भागा देता है ना, मनवे में से भाग दिया जाता है। कैसे भाग, अगर यहाँ लगाएगा 6, 5, 7 को 9 से ऐसे भागा देगा तो भाग देना है तो 9 × 7 = 63 बच गया, 7 आया तो 9 × 3 कट गया। तब मन में ही यहाँ काम करना है कटाते समय कि 9 × 7 = 63 इसमें घट रहा है तो 2 बच रहा है ना, और ऊपर से 7 आएगा तो 27 हो जाएगा, तो 9 × 3 कट गया। अब यहाँ पर 306 × 73 बच गया ना, इसी का गुणा कर देंगे, क्या करेंगे गुणा करेगा तो क्या बच जाएगा, एलसीएम ना। 306 में 73 का गुणा करते हैं, 36 = 18 3 × 9 6 × 7 = 42 3 × 7 अब 8 × 3 = 9 4 = 13 1 × 1 = 2 2 32 23 22 23 8 ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। वैसे भी निकालोगे तो इतना ही आएगा, ऐसे निकाला तो इतना आया, अब मिला लो दोनों से आया है ना, बना लो।